दोस्तों, अगर आप रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी की तैयारी हिंदी माध्यम से कर रहे हैं तो आपके लिए टारगेट पब्लिशर की तरफ से ई बुक लॉन्च की गई है, जिसमें आपको 20 प्रैक्टिस सेट और 10 वन लाइनर सेट दिया गया है, जो कि आपके लिए स्पेशल ऑफर चल रही है। 90 रुपये की पुस्तक आपको मात्र 20 रुपये में उपलब्ध कराई जा रही है। तो नीचे इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में इस ई बुक का लिंक दिया गया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके आप इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं। और यदि परचेज करते समय आपको इसमें किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो आप इनके दिए गए ईमेल आईडी पर आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। देखिए दोस्तों, आज मैं आपके लिए कर रहा हूँ चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन, जो कि आपके आने वाले एग्जाम से रेलवे एनटीपीसी एसएससी और सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जो पास वाली बेल आइकन है उसे भी ऑन कर दें, क्योंकि मैं डेली ऐसे 1 से 2 वीडियो अपलोड करता हूं जिसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो देखिए, भारत में प्रथम आम चुनाव ये 1951-52 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और यदि एग्जाम पूछा है लोकसभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, तो देखिए लोकसभा का प्रथम अधिवेशन ये 13 मई 1952 को हुआ था। कब हुआ था? 13 मई 1952 को हुआ था। तो आप इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में प्रथम निर्वाचित लोकसभा कब अस्तित्व में आई थी? तो देखिए, भारत में प्रथम निर्वाचित लोकसभा जो है ये 1 अप्रैल 1952 में अस्तित्व में आई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपना पद कितने समय के लिए धारण करता है? तो देखिए, भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त ये 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, यानी इनमें से जो पहले पूरा हो जाए तब तक जो है अपने पद पर बना रहता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कर दिया करें। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त निम्नलिखित में से कौन थे? तो देखिए, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त ये सुकुमार सेन थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो देखिए, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ये सुनील अरोड़ा जी हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और यदि एग्जाम पूछा है मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो देखिए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, तो आप इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, वोट देने का अधिकार कौन सा अधिकार है? तो देखिए, वोट देने का अधिकार ये कानूनी अधिकार है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किसके पास कानूनी अधिकार होता है? तो देखिए, कानूनी अधिकार जो है ये निर्वाचन आयोग के पास होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो देखिए, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है ये संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में मतदान करने वालों की संख्या सर्वाधिक है? तो देखिए, मतदान करने वालों की संख्या जो है ये सबसे अधिक उत्तर प्रदेश राज्य में है। कौन से राज्य में है? उत्तर प्रदेश राज्य में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, अप्रैल 2004 में कौन सी लोकसभा के लिए चुनाव हुआ था? तो देखिए, अप्रैल 2004 में ये 14वीं लोकसभा के लिए चुनाव हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, नवंबर-दिसंबर 2009 में भारत के किस राज्य में विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ था? तो देखिए, नवंबर-दिसंबर 2009 में ये भारत के झारखंड राज्य में विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, चुनाव क्षेत्र में प्रचार प्रसार अभियान बंद हो जाते हैं? तो देखिए, चुनाव क्षेत्र में प्रचार प्रसार
ये मतदान समाप्त होने के 48 घंटे पहले जो है बंद हो जाते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो देखिए, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता ये लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है? तो देखिए, लोकसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक जो है ये उत्तर प्रदेश राज्य में है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो देखिए, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है, वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव कौन सी लोकसभा है? तो देखिए, वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव जो है ये 17वीं लोकसभा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने लोगों को मनोनीत कर सकता है? तो देखिए, भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में ये आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 लोगों को मनोनीत कर सकता है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है, लोकसभा का चुनाव संभवतः कितने अवधि के दौरान कराए जाते हैं? तो देखिए, लोकसभा का चुनाव जो है ये संभवतः 5 वर्ष के अवधि के दौरान कराए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में मतदान करने का अधिकार कौन सा अधिकार है? तो देखिए, भारत में मतदान करने का अधिकार जो है ये कानूनी अधिकार है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस ये 25 जनवरी को मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 है, संसद के लोक लेखा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो देखिए, संसद के लोक लेखा समिति में ये लोकसभा के 15 सदस्य होते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 है, वर्ष 2019 लोकसभा चुनाव के लिए देश का पहला वोट किसके द्वारा डाला गया है? तो देखिए, वर्ष 2019 लोकसभा चुनाव के लिए देश का पहला वोट जो है ये ITBP सुधारक नटराजन के द्वारा डाला गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 है, लोकसभा चुनाव 2019 कितने चरणों में आयोजित किया गया था? तो देखिए, लोकसभा चुनाव जो है ये कुल 7 चरणों में आयोजित किया गया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 है, वर्ष 2018 में कौन सी लोकसभा चल रही थी? तो देखिए, वर्ष 2018 में ये 16वीं लोकसभा चल रही थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 है, लोकसभा के द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा में कितने दिन तक रह सकता है? तो देखिए, लोकसभा के द्वारा पारित धन विधेयक जो है ये राज्यसभा में 14 दिन तक रह सकता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 है, देश का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन कब से कब तक मुख्य चुनाव आयुक्त रहे थे? तो देखिए, देश का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन ये अपने पद पर 21 मार्च 1950 से 19 दिसंबर 1958 तक रहे थे, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 है, भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से कब हुई थी? तो देखिए, भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना जो है ये वर्ष 1950 में हुई थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 है, प्रथम लोकसभा आम चुनाव में कुल कितने करोड़ मतदान पंजीकृत हुए थे? तो देखिए, प्रथम लोकसभा आम चुनाव में ये कुल 17.3 करोड़ मतदान पंजीकृत हुए थे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 है, निर्वाचन आयोग का चेयरमैन निम्नलिखित में से कौन होता है? तो देखिए, निर्वाचन आयोग का चेयरमैन जो है
ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन जो कि आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो पसंद आए, होगा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।